जब आप नई गाड़ी परचेज करेंगे तो आपको विंडो के ऊपर से रिनी वाला अलग से आपको लगाना पड़ेगा। जो ऊपर में आप रूफ का देख रहे हैं वो भी आपको अलग से ही लगाना पड़ेगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ, एलॉय व्हील नहीं मिलेगी आपको इस व्हीकल में, तो सिंपल आपको एक कवर मिलता है। ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कवर किस तरह का रहेगा आपको। ये डिफ़ॉल्ट एजेंसी से ही मिला हुआ है हम लोगों को। और साइड में आपके इंडिकेटर होता है इस साइड में। मैं आपको दूसरे साइड दिखाता हूँ, इधर एम हॉक का बैच होता है जो कि इंजन टाइप होता है इस गाड़ी का। ये आप देख सकते हैं एम हॉक लगा हुआ है। और मैं आपको अब इंटीरियर का पार्ट दिखाने जा रहा हूँ कि इसमें इंटीरियर कैसा होता है। इंटीरियर में बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं है इस व्हीकल में, क्योंकि ना ही म्यूजिक सिस्टम इसे मिलते हैं और ना ही इसमें स्टीयरिंग में सारे फीचर्स होते हैं। ये है आपका इंटीरियर का पार्ट, मैं आपको लाइट ऑन करके दिखाने जा रहा हूँ इसमें इंटीरियर का पार्ट। ये पावर स्टीयरिंग है इसमें, बट सारे आपके फीचर्स जैसे म्यूजिक सिस्टम, लाइटिंग वगैरह जो हैंडल से कंट्रोल होते हैं वो सारे टॉप मॉडल इस 11 में ही मिलते हैं। ये पावर स्टार्ट का बटन है एक यहाँ पे, जिसे क्लिक करने के बाद ही आपकी गाड़ी स्टार्ट होगी। ये म्यूजिक सिस्टम अलग से लगाना पड़ता है, म्यूजिक सिस्टम आपको नहीं मिलेगा इसमें। 5 गियर्स हैं इसमें। पावर विंडो हैं इस व्हीकल में, सारे पावर विंडो मिलेंगे आपको, रियर भी और फ्रंट भी। और दो इंटीरियर लैंप दिया हुआ है इस व्हीकल में। जब आप गाड़ी को खड़ी करके कहीं भी नाइट टाइम में अपना कुछ काम करना चाहते हैं गाड़ी के अंदर, तो आप दोनों को देख सकते हैं। जो सीट है इसमें वो आपको डिफॉल्ट मिलते हैं। ये सीट कवर हमने अलग से लगाया हुआ है इस व्हीकल में, जो जिसका कीमत लगभग 4000 से स्टार्टिंग होता है। ये हैंडल का कवर आपको अलग से लगवाना पड़ेगा, ये भी आपको डिफॉल्ट नहीं मिलता है एजेंसी से। इस टोटली डिपेंड करता है कि जब आप व्हीकल को लेते हैं एजेंसी की तरफ से, तो अगर आपकी गाड़ी टॉप मॉडल नहीं है तो आपको काफ़ी पैसे बाहर से खर्च करने पड़ते हैं। जब तक आप बाहर से पैसे खर्च नहीं करेंगे तब तक स्कॉर्पियो की कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। वो बिल्कुल ही सिंपल कार आपको एजेंसी से प्रोवाइड किया जाता है।